मुंबई के ओबीसी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि सभी ओबीसी के लिए आज का दिन शुभ है। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलने के बाद भी संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। ओबीसी नेता पंकजा मुंडे ने कहा कि अभी और भी कई लड़ाइयां लड़नी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण के प्रावधान के संबंध में बंटिया आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। राज्य चुनाव की रिपोर्ट भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इसलिए आगामी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के इस फैसले का सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दल के नेताओं ने भी स्वागत किया, लेकिन इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। नेताओं के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई है। अशा वेळी सरकार और आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इजाजत दी है कि आप ओबीसी आरक्षण के साथ इलेक्शन ले सकते हैं। उसमें दो तीन बातें और हैं जो कमीशन ने कहा है कि कई जगह अगर बहुत गलत कम दिखाई देता हो तो राज्य सरकार के अधिकारी फिर से चेक करें और निर्णय राज्य सरकार ले। और एक बात लिखी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जिले में समझो SC ST 10-15% है तो 50% तक का जो है बचा हुआ 27% के ऊपर का भी ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, ये भी वो रिपोर्ट में लिखा है। अगर वो रिपोर्ट के मुताबिक जाता है तो कई जगह जो है 35% भी मिल सकते हैं, कई जगह जो है कम भी मिल सकता है।